अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद ज़हूर और आप देख रहे हैं चनाब HD न्यूज़। खबर शामिल करते हैं, मौलाना फजल रहमान की मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मुलाकात, नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक, सूरत हाल पर मुशावरत। लॉन्ग मार्च मुलतवी करने से अपोजिशन को नुकसान पहुंचा, शुरका की गुफ्तगु। ईद उल फितर के बाद लॉन्ग मार्च किया जाएगा, मरियम नवाज की तजवीज़। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मौलाना जेली राजकुमारी के सामने हाजिरी जरूर दें, पहले वैक्सीनेशन करा लें। हुकूमत अवाम को कोरोना से बचाने की कोशिश कर रही है, मौलाना इकतदार से दूरी का गम दूर करने की भाग दौड़ में मसरूफ हैं। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा कारी, आज 44 अमवात, 3,667 अफराद बीमार, केसेज मस्बत आने की शरह 8.7% रही। फाल केसेज की तादाद 31,107 तक पहुँच गई। अवाम बहुत लापरवाह, मास्क का ख्याल न समाजी दूरी को समझा। इस्लामाबाद में 30 रेस्टोरेंट्स और 660 दुकानें बंद करा दी गईं। लाहौर 63 दुकानें और मैरिज हॉल सील कर दिए गए। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है, वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़म तस्वीर शेयर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म और खातून अव्वल खैरियत से हैं, शहबाज गिल। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना को हराएं, सदर ने वैक्सीनेशन जरूरी करार दी। आरिफ अलवी कहते हैं, वैक्सीन दो खुराकों में लगाई जाती है, अवाम शकूक पैदा करने वालों से बचें। ड्रैप ने रूसी कोरोना वैक्सीन की कीमत का तयन कर दिया, कीमत की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन स्टीरियन से बचाव के लिए इकदाम। सिविल एविएशन ने कैटेगरी सी ममालिक के मुसाफर पर पाबंदी लगा दी। कैटेगरी सी में जनूबी अफ्रीका, ब्राजील समेत 12 ममालिक शामिल। पाबंदी का इतलाक 23 मार्च से 5 अप्रैल तक होगा। कैटेगरी बी मुल्कों के मुसाफरों का सफर से पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करार। कैटेगरी ए के मुल्क को कोरोना टेस्ट की पाबंदी से मुस्तस्ना। हलीम आदिल के मामले पर IG ने जुल्म किया, गवर्नर सिंध। इमरान इस्माइल कहते हैं, मजबूर होकर मुश्ताक महर की तब्दीली का मुतालबा किया। हलीम आदिल को करप्शन से बेनकाब करने की सजा दी जा रही है, शिबली फराज की गुफ्तगू। आज़ादी इजहार राय का राग, अलापे वाले जुबान बंदी चाहते हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, हलीम आदिल को अवामी जदोजहद की ऑक्सीजन दी जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल का लापता अफराद का मसला हल करने का मुतालबा। कराची और बलोचिस्तान में ज्यादा महरूमियाँ हैं, इसलिए टारगेट होते हैं। बलोचिस्तान में रातों रात वफादारियाँ तब्दील हो जाती हैं, हुक्मरानों को लापता अफराद नजर नहीं आते। बात करें हथियार से अमन नहीं आएगा, मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगु। मुल्क भर में महंगाई के नए नए रिकॉर्ड, पिशावर में 20 किलो आटे का थैला 1350 रुपए का हो गया। गैस सार्फिन पर 105 अरब इजाफी बोझ डालने की तैयारी। कंपनियों की गैस 57% महंगी करने की सिफारिश। दरख्वास्तों पर समाअत के बाद कीमत बढ़ाने का हतमी फैसला होगा। और NA 249 का इंतखाबी मैदान, कागजात की जांच पड़ताल। सिक्योरिटी के बाद मुफ्ताह इस्माइल के कागजात मंजूर कर लिए गए। मुफ्ताह इस्माइल कहते हैं, हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। मुल्तान में आज जमात इस्लामी ने मैदान सजा लिया, इंतजामिया की तरफ से ताहाल जलसे की इजाज़त ना मिली। जलई अमीर कहते हैं, इंतजामिया ने रुकावट डाली तो DC ऑफिस जलसा गाह बना देंगे। प्लाट खरीदना हो या फरोख्त करना हो, अलबारी इंटरप्राइजेज के तजर्बा कार स्टाफ से राबता करें। गुलशन मेमार, गार्डन सिटी और डायमंड सिटी, तैसर टाउन स्कीम 45 फेज 1-2 में कमर्शियल और रिहायशी प्लाट्स के खरीदो फरोख्त का बाएतमाद नाम अलबारी इंटरप्राइजेज, या फिर हमारे ऑफिस तशरीफ लेके आए। हेड ऑफिस शॉप नंबर 1, SB20, सेक्टर R2, गुलशन मेमार, कराची। मोबाइल नंबर 03372100066, 03132880777, 03330219811। अल जैद हाउसिंग सर्विसेज एस्टेट एंड बिल्डर्स कराची के मुख्तलिफ सोसाइटी में खिदमात सरंजाम दे रहा है। गुलशन मेमार, गार्डन सिटी, तैसर टाउन स्कीम 45, बहरिया टाउन, PTV सोसाइटी, मशरकी सोसाइटी, स्कीम 33 और DH सिटी का बाएतमाद नाम, या फिर हमारे साइट ऑफिस में तशरीफ लेके आए। तैसर टाउन स्कीम 45, सेक्टर 77, फेज 1, हेड ऑफिस गुलशन मेमार, सेक्टर R2, न्यू ड्रीम वर्ल्ड रेस्टोरेंट, कराची। मजीद मालूमात के लिए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए, 03462845437, 03342929554। अल जैद हाउसिंग सर्विसेज एस्टेट एंड बिल्डर्स कराची के मुख्तलिफ सोसाइटी में खिदमात सर अंजाम दे रहा है। गुलशन मेमार, गार्डन सिटी, तैसर टाउन स्कीम 45, बहरिया टाउन,
पीटीवी सोसाइटी, मशरकी सोसाइटी, स्कीम 33 और डीएच सिटी का बाएतमाद नाम, या फिर हमारे साइट ऑफिस में तशरीफ लेके आएं। तैसर टाउन, स्कीम 45, सेक्टर 77। मजीद मालूमात के लिए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 03462845437, 03429299554। अल अजीम वेलफेयर मेडिकल सेंटर गुलशन ममार में खिदमत खल्क के जज्बा में पेश, डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मोमजी हस्पताल के मारूफ जनरल फिजिशियन और कंसल्टेंट डायबिटालोजिस्ट डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर सिर्फ 500 रुपए में मरीजों का चेकअप कर रहे हैं। नीज अद्वियात रियायती कीमत पर दस्तियाब हैं। मुख्तलिफ टेस्ट, मसलन शुगर टेस्ट 50 रुपए, यूरिक एसिड टेस्ट सिर्फ 150 रुपए, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट सिर्फ 150 रुपए और ECG सिर्फ 100 रुपए में की जा रही है। राब्ता के लिए ये पता नोट फरमा लें, A65 सेक्टर Z2 गुलशन मेमार कराची, नियर गेट नंबर 2। करप्शन की शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर कसूर नईम चीमा मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब का नईम चीमा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं, करप्शन मुल्क को कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है, करप्ट अफसरों की पंजाब में कोई जगह नहीं। सैदू शरीफ एयरपोर्ट 17 बरस बाद डोमेस्टिक परवाजों के लिए खुल गया। पहली परवाज 26 मार्च को सुबह 10:40 पर लैंड करेगी। गैर मुल्की सियाह आसानी से सवात आ सकते हैं। डिलास नाइट क्लब में फायरिंग, खातून हलाक, 17 अफराद जख्मी हुए, हमलावर की तलाश जारी। मुलजिम की क्लब में मौजूद शख्स से तलख कलामी हुई। पाबंदियों के खिलाफ अमरीका समेत कई ममालिक में एहतजाज। लंदन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में मुजाहरे, समाजी फासले नज़रअंदाज। ब्राज़ील में रिकॉर्ड हलाकतें, एक रोज़ में 2331 अमवात। भारत भोपाल, इंदौर, जबलपुर में इतवार का लॉकडाउन लगा दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया में तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल। न्यू साउथ वेल्स में नदियां उबल पड़ी, शहरियों को इनखला की हिदायत। सिडनी में भी मूसलाधार बारिश, मुतअद्दिद मकान और सड़कें तबाह। कहीं घटाएं, कहीं रिमझिम, कहीं तेज बारिश ने चेहरे खिला दिए। लाहौर में ठंडी हवाएं, बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, साहिवाल समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में बारिश। बादल मंगल तक पाकिस्तान में रंग जमाएंगे, महकमा मौसमियात। अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चनाब HD न्यूज़।